प्रदेश सहित कपड़ा नगरी भीलवाड़ा में गर्मी ने अपनी दस्तक दे दी है और गर्मी से बचाव के सहित भीलवाड़ा के वासिंदे अलग अलग प्रकार के जतन करके गर्मी से अपना बचाव कर रहे हैं। वहीं गर्मी की बात की जाए तो भीलवाड़ा ज़िले में इन दिनों लकड़ी के कूलर बनना शुरू हो गए हैं। रही बात इन कूलरों की, तो इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह विशेष तौर पर लकड़ी से बनाए जाते हैं और कहा जाता है कि यह एसी को भी मात दे सकते हैं। मात्र भीलवाड़ा ज़िले में बनने वाले यह लकड़ी के कूलर इन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में भी इनकी डिमांड हो रही है। बढ़ती गर्मी के साथ इन कूलरों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। पर लकड़ी के कूलर चलने की यही खास वजह है कि एक आम आदमी इसको खरीद सकता है। दूसरी बात यह है कि ये एसी तो मतलब बहुत ही ज्यादा पैसे लगते हैं एसी लाने के लिए, लेकिन इसको आम आदमी ऐसे खरीद सकता है कि 3,500-4,000 में कूलर मिल जाता है। मेन बात यही है। और सर करीब पूरा परिवार सर हमारे काम में लगा हुआ है इसमें। ये मेरा छोटा भाई है जैसे कि टीकम, और अभी हम काम तो हम दोनों संभालते हैं और बाकी छोटे मेरे भाई बहन है, छोटे भाई है, पापा है, आप हम सब बनाते हैं खुद ही घर में। और इस समय तो बहुत ज्यादा कूलर की डिमांड होने लग जाती है, तो हमें पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। कहाँ कहाँ डिमांड होती है सर? ये इसकी पहले तो खाली राजस्थान में चलता था, अब ये जैसे महाराष्ट्र भी जाता है, गुजरात भी जाता है, यूपी भी जाता है, आंध्र भी जाता है। तीन साइजें होती है, तीन साइजों में जैसे ये मीडियम साइज हो गया, इससे छोटा 12 इंची होता है, इससे बड़ा 20 इंची होता है। और अगर कोई जैसे लेना चाहे तो थोड़ा एक बड़ा और साइज में जैसे कोई ऑर्डर देगा तो उसमें बड़ा कूलर भी बन जाता है। सर गए साल यहाँ से 4-5 कूलर ले गया था, नीमच का रहने वाला हूँ, अपने भाइयों के लिए भी ले जाना चाहता हूँ ये कूलर, ताकि गर्मी थोड़ी तेज पड़ रही है, तेज पड़ने वाली है, उसके हिसाब से मैं 4-5 कूलर लेने आया हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ नीमच में कूलर बनते नहीं है और ये एसी से बेस्ट कूलिंग करते हैं और ज़्यादा अच्छे से अच्छा हॉल ये ठंडा कर देते हैं, इससे बड़ा कूलर बनवाना आया हूँ मैं, जो पैसे भी बजट में हमारे, इसलिए मैं 4-5 कूलर ही जीतू हिसाब से लेने आया हूँ और ये दे देंगे तो मैं चला जाऊँ।